अस्सलामुअलैकुम। कंट्रोल शर्म आ रही यार, मतलब मैंने सोचा था कि मतलब सब कुछ इतना इजी होगा। पहले जब मैं व्लॉग्स बना रहा था, मैंने सोचा सब कुछ बहुत इजी होगा कि मतलब मैं व्लॉग्स अपलोड करूँगा और सोच ऐसी थी कि मतलब कि यूँ पैसे आना शुरू हो जाएंगे और ऐसे मोनेटाइज हो जाएगा चैनल। बड़ा हरामी हो बेटा। तो मैंने एक यूट्यूब पे शॉर्ट भी अपलोड किया था, मतलब छोटा सा स्टोरी टाइम जो मेरा गुजरा वो कुछ लोगों को समझ आ गया होगा शायद, क्योंकि एक मिनट के अंदर क्या ही समझ आया होगा। मेरा तो यही प्लान था यार कि मतलब कि ऐसे ले कर चलूँ पूरी रूटीन, रमज़ान की रूटीन, ईद। तो अभी कुछ ऐसा सीन है कि मेरी रूटीन ये है कि मैं सुबह उठता हूँ, अभी कॉलेज तो मैं तकरीबन जाता ही नहीं हूँ, बहुत कम ही जाता हूँ कॉलेज, तो बस फीस पढ़ने और मुँह दिखाने चले जाता हूँ। तो वो बोलते हैं भाई आते क्यों हैं आप। वाह। तो मैंने सोचा चलो यार अभी मैं फारिग ही था ना, मैंने कहा चलो यार मेरा थोड़ा हाथ भी सेट हो जाएगा, जो नहीं आता मुझे वो और ज़्यादा अच्छे से कर लूँगा मैं, और कुछ मतलब कि इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा मेरी लाइफ के अंदर। तो मैंने सोचा कि यार दोबारा से व्लॉग मतलब बनाना स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं कितने लोगों को पसंद आता है नहीं आता। यार ये तकरीबन मेरा टेक 6 या 7 है, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, अब आदत मतलब है, ये फंस गया सी है। तो आदत भी नहीं है मुझे ऐसे मतलब कि हर वक्त हैंग रखने की, ये एकदम से तो आप लोगों को पता लगना ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। खैर पता तो मुझे भी नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि सबको इंटरटेन करें और अपनी लाइफ को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और हमारा ये ब्लॉग इंशाल्लाह अच्छी रीच आए, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएं बस जल्दी से। अभी यही गोल है मेरा कि मैं जो है जल्दी से ना 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो जब मैंने आप लोगों को जब मैं वीडियो के अंदर बोला था कि मतलब डेकोरेशन वगैरह करेंगे, तो डेकोरेशन वगैरह हो गई थी ये सारी, मतलब मेरे आने से पहले ये सारी ना ये जो है मेरे भाई ने सारी डन कर दी थी, ये मतलब पूरा उन्होंने सजा लिया था। ये मतलब इस वाले व्लॉग को एंड नहीं करूँ यहाँ पे, बनाई मतलब कंटिन्यू कर लूँगा इसके साथ ही। और आपने कुछ कहना था व्लॉग के अंदर? तो मुझे कुछ नहीं कहना था, बस यही कहना था कि हम भाई को बहुत सारे सपोर्ट करें, सारे भाई को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छा ये मैंने कहने का नहीं कहा, मैंने सिर्फ वैसे ही पूछा इनसे कि कुछ कहना है आपने व्लॉग में आना इनको, मतलब बहुत अच्छा कहना था क्योंकि बच्चा हमारा बहुत मेहनत कर रहा है, पहले भी करता था, थोड़ा इसने बीच में रुक गया था, उसने दोबारा कम बैक किया यूट्यूब पे, तो इंशाल्लाह हमारी दोनों इसके साथ हैं भैया, अभी इंशाल्लाह देख लो भाई कोई अगर इंटरव्यू जो लेते हैं क्या कहते हैं उनको वो खबर वाले जो होते हैं कोई है तो इनकी बोल आपने सुन ली है, इनको बुला लो जॉब पे रख लो भाई, तो ये बहुत मस्का बने अच्छे लगाते हैं। The next day. Assalamualaikum, day 2 लग गया यार। रात में वहाँ पे फ्री होने के बाद ना थोड़ी सी धूप तेज हो रही है और ना हवाएं बहुत चल रही है। मेरे फ़ोन में पता नहीं क्या एक थोड़ा सा मेजर इशू है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ और उसका भी मैं दिखाता हूँ क्या मतलब वॉइस कैसी आ रही है, बैक कैमरा से जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आवाज़ जो है थोड़ी सी ना ऐसी आ रही है कि मतलब दूर से मतलब काफ़ी आ रही है, और जब जैसे ही मैं मतलब इसी वीडियो को मैं यहाँ फ्लिप करता हूँ तो आवाज़ मेरी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। शायद मेरे फ़ोन का जो माइक है क्या है वो जो है शायद फ्रंट साइड पर है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है शायद। लेकिन जब मेरे पास पहले दूसरा फ़ोन जो था ना तो उसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं था। मैं बोल रहा था यार छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, छत का तो मतलब हाल ही हो रहा है, मतलब ये साइकिल खड़ी हुई है और ये मतलब सब साफ़ करना पड़ेगा ये सब ना, तो ये सब भी इंशाल्लाह साफ़ करूँगा जब टाइम मिलेगा। तो अभी इंस्टीट्यूट का टाइम भी हो रहा था और नीचे थोड़ा शोर हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा ऊपर थोड़ी पीस होगी, लेकिन पीस की जगह ना गर्मी बहुत है ऊपर। हम लोगों के पास एक ना बिल्ली है तो थोड़ी ना चिपकू टाइप की है, तो उसने क्या करा मतलब आए करिए उसके ना बाल सारे सारे के सारे बाल मैं दिखाता हूँ तो ये ना मेरे नज़र आ रहे हैं अगर, तो मेरे कपड़ों के अंदर जो है पता नहीं क्या मतलब ऐसे मतलब चिपक गए हैं आके। तो यार फ्रंट साइड से ना बहुत ज़्यादा मतलब सनलाइट आ रही है, तो बस जल्दी से नीचे चलते हैं और इंस्टीट्यूट की तैयारी करते हैं। मैंने आज 2 छुट्टियाँ कर ली इंस्टीट्यूट की, तो अब वहाँ से भी उन्होंने मतलब वार्निंग दी हुई है मुझे कि भाई आप छुट्टियाँ ना करा करें, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। मैडम अस्सलाम वालेकुम, सॉरी मेरा बैग पड़ा हुआ है ये, और बैग के अंदर माशाल्लाह से नज़र आ रहे हूँ अगर तो इसके घुसके बैठती है ये मेरे बैग के ऊपर, और ये छोटी सी माई मुन्नी ब्लोशन लगाया हुआ, सो क्या लगा हुआ शाइनर वगैरह लगाया हुआ मना ने। चलो यार हम तो निकलते हैं, ठीक है भाई, लाफिश लाफिश लाफिश। भाई नीचे आके देखा तो बाइक तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही है, इसको पहले साफ़ कर लेते हैं, और बाहर निकलते ही सबसे पहले टायर पंचर हो गया। आप सबको और मुझे मुबारक।
उसका तो यार सीन ख़राब हो गया, हवा मतलब हवा नहीं निकली थी, पंचर ही हो गया है, तो अभी पंचर लगवाना पड़ेगा इसका ना। भाई के पास आया हूँ तो भाई पंचर लगाएंगे, तो अभी मैं हो सकता है काफ़ी लेट हो जाऊँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि वहाँ पहुँच जाऊँ, थोड़ा सा लेट हो जाऊँ लेकिन पहुँच जाऊँ। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी तो मैंने अंकल से कहा कि भाई आप जल्दी ऊपर नहीं देखना, बस आप मुझे पंचर लगा दो। अंकल ने पंचर लगा दिया, वैसे मैं लेट हो गया हूँ, अब बस निकलते हैं ये पन करवा के। A few moments later, मिस ने थोड़ी कोडिंग करना सिखाई है, वेब एंड ग्राफिक का कुछ सिखा रही हैं, तो ये वेबसाइट बनाई है मैंने, तो ये वर्क कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सही हो गया, सक्सेसफुल हो गया सारा। यही नहीं अभी और सुनिए, तो इंस्टीट्यूट से फ्री होने के बाद मैं आया था अपने आप ही के घर पे उनको लेने के लिए। मैंने बताया था, बताया नहीं था, खैर मैं बता रहा था लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो गया था तो मैं निकल गया था। अभी काफ़ी देर बाद जो है मतलब थक गया हूँ थोड़ा सा, अभी फिर इनको लेके ये रेडी हो रही हैं, तो ये रेडी हो जाती हैं, फिर उसके बाद फिर घर पे निकलते हैं। A few moments later, तो यार मैं आ गया था, गर्मी हो रही है, फ़ैन ऑफ करा ताकि मुझे मेरी आवाज़ क्लियर आए। तो मेरी छोटी बहन मानो कि रिंग लाइट है, तो शोर एक तो इतना हो रहा है घर के अंदर कि बस वीडियो बनाना भी मुश्किल है। मैंने सोचा यार बस यहीं पर ही ब्लॉग को एंड करता हूँ, फिर वरना हम लोग वो शॉर्ट्स वाली भी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे, तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगा मैं। और ना थक गया था, मतलब यहाँ तो गर्मी है, गर्मी के ना ब्लॉग शूट करना पड़ा, क्योंकि मैंने बताया ना थोड़ी सी नॉइज़ का मसला हो रहा है, बाहर की जो नॉइज़ कैंसिलेशन है ना वो, उसकी वजह से मेरी आवाज़ भी सारी ख़राब हो रही है, मेरी आवाज़ भी सारी ड्रॉप हो रही है उसकी वजह से ना। तो अभी इसका कोई इंशाल्लाह जल्दी से कोई हल निकालता हूँ मैं। वीडियो को जो है लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर्स ही हो जाएँ अभी, तो यही ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी यार अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता।